लेकिन सर फिर बात फिर एक बार फैमिली की आ जाती है, जैसे कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे, हम लोग आगे बढ़े, आज भी हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, भले घर अलग अलग हैं लेकिन हाँ कनेक्टेड हैं, और वो चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती मेरी लाइफ में। मतलब कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, मिसहैप होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा पहला कॉल मेरे भैया लोगों को ही जाता है, जो शायद हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते लेकिन सबकॉन्शियसली हम लोग कनेक्टेड रहते हैं कि नहीं यार मुझे इनको फ़ोन करना है। अब ऐसे में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे ही साथ में कुछ लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो इस चीज़ को सर पुश भी मारते हैं कि ये चीज़ ना हो। तो ऐसे में सर कहीं ना कहीं कहानी तो फिर उलझती ही जा रही है ना। आदमी इन दी एंड एक कमरे में अपने आप को अकेले ही पाता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि संदीप सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं उनसे कोई चीज़ शेयर करूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझको एक दो बार के बाद में कोई इस चीज़ को कन्विंस करवा देता है कि नहीं तुम ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। अब मैं तो सर एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं ऑलरेडी वीक हूँ, तो मैं तो सर हर चीज़ के बारे में सोचूंगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, हो सकता है आपको बता के मैं ठीक करूँ, हो सकता है आपको बता के मैं गलत करूँ। तो सर यहाँ पे जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो एक डिप्रेसिव काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन से अगर किसी को बाहर आना हो, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट एज है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिचुएशन में बैठे हैं, चाहे आप पढ़ाई को ले लीजिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लीजिए, चाहे आप जॉब को ले लीजिए, मतलब आज कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसका कंपैरिजन 2.5 लाख वाले के साथ होता है। हम इस सोसाइटी में जो आपने बताया मनी माइंडेड है, तो सर वो जो एक डीप डिप्रेशन वाला पॉइंट, जो डिप्रेशन भी नहीं होता बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और कई लोग सर उसमें टूट भी जाते हैं। हम कोटा में देख रहे हैं सर अभी किस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है, उसमें अधिकतर संख्या सर ना भी हम माने तो लड़कों की कहीं ना कहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि वही एक्सपेक्टेशंस की बात आ जाती है। सर वो जो एक अकेलापन होता है उसमें हम किसके पास जाएंगे? मुझे लगता है पहले तो अकेलापन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली। मुझे लगता है बीइंग अलोन तो ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध को भी जो है वो जब एनलाइटनमेंट मिलेगा तो अलोननेस में ही मिलेगा। पर हाँ, अलोननेस और अलोन होना और लोनली होना ये अलग चीज़ें हैं। अलोन इज़ व्हेन यू चूज़ टू बी यू नो सॉलिट्यूड, जब चुना हुआ हो, और लोनलीनेस इज़ जब सॉलिट्यूड चुना हुआ ना हो। तो मुझे लगता है सॉलिट्यूड में कुछ ख़राबी नहीं है, पर हाँ जब ये लोनलीनेस पे कन्वर्ट होता है तब इसके सॉल्यूशन कहाँ हैं वो देखने पड़ेंगे हमको। कैसे? पहला, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक मैन को कोई चॉइस ही नहीं है, उसको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ऑफ एनी लेवल, चाहे वो गली क्रिकेट हो चाहे वो गिल्ली डंडा हो, उसको उसमें आना ही पड़ेगा। यानी वो किसी भी एज में हो, हाँ। उसको बाहर आके जीतना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, झीकना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, चिढ़ाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। क्योंकि वो मैन के अंदर का मैन, मैंने कहा ना वो टेस्टोस्टेरोन सिस्टम है, उसके अंदर एग्रेशन जो है वो नेचुरली आता है। ऐसे ही नहीं तुम्हारी मेरी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसमें हमारे अंदर जो एक वॉयलेंस की स्ट्रीक है उसे बाहर निकालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तो पहला तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट आउट ऑफ रूम्स एंड गेट ऑन द फील्ड, गेट ऑन द ग्राउंड, वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मैन जो है, मैन को जब वो बॉय होता है तभी बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ को लेकर एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 13 साल की उम्र में पता चल जाए कि आपको कहाँ पहुँचना है, लेकिन आपको 13 साल की उम्र में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 13 साल की उम्र में आपको पता होना चाहिए कि 13 साल की उम्र में आपको कहाँ पहुँचना है। यानी वो डायरेक्शन फिर बाद में हो सकता है पॉइंट ए से बी जाके डायरेक्शन बदल जाए, पर ए से बी तक का भी डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, वहाँ तक तो पहुँचना है। और वो क्लैरिटी जो है वो मैन की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर डालती है। अब वापस आऊँ उस बात पर, मेरा ऐसा मानना है कि मैन की कुछ फीमेल फ्रेंड्स होनी चाहिए। गर्ल फ्रेंड्स होना ज़रूरी नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। उसकी वजह है क्योंकि देखिए, हर मैन जो है वो थोड़ा वुमन होता है और हर वुमन है जो थोड़ी मैन होती है। ये जो मैन होता है वो इसलिए भी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता रहा क्योंकि माँ ने उसके अंदर के फीमेल साइड को जो है हमेशा एक्नॉलेज किया, एंडोर्स किया और ऊपर आने में मदद की। मुझे अब लगता है कि अगर आपके मेल फ्रेंड्स आपको जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी फीमेल फ्रेंड समझ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल चाहिए, और वो सिर्फ मैन के पास हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए आपको अपनी उस लोनलीनेस को आने से पहले ही रोक देना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन जो है
इट इज़ ईजियर टू चेक डिप्रेशन बिफोर इट कम्स रादर देन टू सॉल्व इट आफ्टर इट हैज़ कम। सर मतलब रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अगर हम दोस्ती से आगे बढ़ें तो रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता रोमांटिक ही हो, वो रिश्ता नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। आप तुम ही देखो ना, कृष्ण और द्रौपदी एक दूसरे के क्या थे, भाई बहन भी नहीं थे और रोमांटिकली इन्वॉल्व भी नहीं थे, पर थे तो सखा ना। अब वो सखा होना भी अपने आप में हमारे यहाँ तो रोल मॉडलिंग है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो हैं वो कृष्ण राधा ही हों, आप कृष्ण द्रौपदी भी तो हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये जो मेन मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए महिलाओं को भी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये रियलिटी है, बिल्कुल लेना पड़ेगा। मतलब एक डिक्लाइन में आप नहीं जी सकते कि नहीं ये कुछ नहीं है, हुक्स है ये, बिल्कुल ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। मैन और वुमन पूरक हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है।